प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। देवरिया में सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में कन्हौली के रहने वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। उनके पैतृक गांव में अपने जाबाज सपूत की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। कन्हौली में वरुण के चाचा दिनेश प्रताप सिंह और छोटे चाचा कांग्रेस के पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह वायुसेना के अधिकारियों से संपर्क में हैं। वहीं गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि वरुण की पत्नी गीतांजलि से मोबाइल फोन के जरिए संपर्क होने पर वरुण के गंभीर रूप से झुलसने की जानकारी मिली। बता दें कि इस हादसे में देवरिया के रहने वाले वरुण सिंह एकमात्र जीवित बचे हैं, जबकि सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 सैन्य अफसरों की मौत हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं की चहलकदमी भी तेज हो रही है। सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। इस कड़ी में फतेहपुर के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र के हुसैनगंज कस्बे में कांग्रेस के नेता शिवाकांत तिवारी ने बाजारों, गलियों और गांवों में भी जनसंपर्क यात्रा तेज कर दी है, जिसके साथ युवा नेताओं और महिलाएं भी सहभागिता निभा रही हैं, जो बाजारों और गलियों में घूम घूम कर प्रतिज्ञा ले रहे हैं। फरुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रशासन की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन पूजन किया। पट्टे की जमीन के मामले में ग्रामीण महिलाओं का आक्रोश जारी है। 68 पट्टों के मामले में भारतीय किसान यूनियन और सर्वोदय मंडल ने अफसरों के लिए हवन किया। कानपुर मंडल उपाध्यक्ष प्रभा कांत मिश्रा और सर्वोदय मंडल के लक्ष्मण सिंह ने 2 घंटे तक हवन पूजन किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मी शंकर और उपाध्यक्ष संजीव सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। आज ये हवन किया गया। आज 8वां दिन है किसान को अपनी जमीन बचाने के लिए सरकार जो जमीनों से छीन रही है किसानों से, उसके लिए जो यहाँ SDM महोदया हैं प्रीति तिवारी, उनकी सद्बुद्धि, वन विभागों की जो अधिकारी हैं उनकी सद्बुद्धि के लिए आज यह हवन कराया गया है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और किसानों की वार्ता करके ये जो पट्टे किसानों के हैं ये पूर्ण रूप से किसानों के वापस कर दें, बहाल कर दें जो देश किए हैं, इसीलिए ये हवन किया गया है। अगर ये ऐसा नहीं होता, सद्बुद्धि भगवान नहीं देती है, तो किसान का लठ संभाल करके आने वाली 11 तारीख को सारे अधिकारियों की जो भी जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है उनको लठ द्वारा बुद्धि। फरुखाबाद के मुख्य बाजार में हिंदू महासभा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने CDS विपिन रावत समेत 12 अधिकारियों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। लाल गेट चौराहा से लेकर त्रिपोलिया चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के त्रिपोलिया चौक पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां पूरा शहर अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा। जैसे कि आप लोगों के माध्यम से सूचना मिली थी कल कि हमारे CDS जनरल विपिन रावत जी का एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें मृत्यु हो गई है, उनकी धर्मपत्नी भी और हमारे कई सारे जवान शहीद हुए हैं। इतनी भयंकर ये घटना है कि हम लोग एकदम स्तंभ हैं और समझ नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो हम लोग आज सब लोग हिंदू महासभा के इकट्ठे हुए हैं और एक भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार को, इनके सभी के परिवार को एक बढ़िया सा, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छा जीवन हो और हमारे माननीय के विपिन रावत जी उनके लिए एक ईश्वर अपने चरणों में दुआ दे। आज हम सब लोग यहाँ हिजाम की तरफ से एकत्रित हुए हैं और देश में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम माननीय विपिन रावत जी को यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब लोगों को विदित है कि कल उनका एक चॉपर क्रैश में उनका निधन हुआ, उनकी पत्नी के साथ उनका देहांत हो चुका है और उसके साथ हमारे 13 सैनिक भी शहीद हुए हैं। इस मौके पर ज्यादा कुछ बोलने को नहीं है, हम लोग यहाँ एक मौन श्रद्धांजलि उनको अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और देश को इतनी बड़ी क्षति हुई है जिसका अंदाजा शायद भारतीयों को
हो नहीं सकता क्योंकि हम आप रात में चैन से सोते हैं और वो लोग। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत सेना के अधिकारियों और जवानों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत की खबर आते ही देश में शोक की लहर दौड़ गई, जिसको लेकर आज हमीरपुर मुख्यालय के दक्ष अकेडमी के बच्चों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला, शहीद पार्क में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीडीएस और शहीद जवानों की फोटो सामने आई और बच्चों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। जनरल विपिन रावत जी थे वो शहीद हुए थे, उनके इसी दुख की वजह से हम लोगों ने ये कैंडल मार्च निकाला। ये हमारे लिए बहुत पूरे देश के लिए दुख की घड़ी है, इसलिए हमारा उनको सलाम है और जय हिंद जय भारत। जवान और सबसे बेस्ट ऑफिसर, जितनी तारीफ पर उतनी कम, जनरल विपिन रावत जी शहादत को प्राप्त हुए हैं और साथ में उनकी वीरांगना जिनको कहते हैं वीर वधु, उनकी धर्मपत्नी वो भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण, और अन्य जवान लांस नायक और आपके विंग कमांडर ऐसे शहीद हुए, एकदम से बड़ी दुख की घड़ी है आज। और ये हम लोग जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं तो उनके शहादत को हम लोग सलाम करते हैं। बिजनौर में सरफराज को अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गोंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 6 महीने के लिए जिला बंद किया है। हमीरपुर दीपा थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने मई पुलिस फोर्स के आरोपी सरफराज के घर पहुंचकर आरोपी के जिला बदर होने के संबंध में मुनादी और आरोपी के मकान पर नोटिस चस्पा कर आरोपी के बारे में जानकारी दी। आरोपी इस समय जिले की सीमा से बाहर है। आरोपी की पत्नी को नोटिस भेजकर हिदायत दी गई और क्षेत्रवासियों को सूचित किया गया कि और आरोपी जिले की सीमा में मिलता है तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। ग्राम सबदलपुर रहरा थाना हीमपुर का रहने वाला सराफत उर्फ याहिया, जो कि कुख्यात गोकश है, अपर जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर के द्वारा 2 दिसंबर को उसको 6 माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है। उसके घर पर मुनादी कराई गई, वहाँ चस्पा की गई नोटिस, उसे 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। यदि इस दौरान वह प्रकाश में आएगा, कहीं दिखेगा, तो उसकी गिरफ्तारी करके बुलंदशहर के खुर्जा विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉलोनी के अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से तुड़वा दिया। नगर के कई जगह पर 5 निर्माणाधीन कॉलोनियां ध्वस्त की गई। इस दौरान केडीए अधिकारियों के साथ पुलिस बस भी मौजूद रहा, जिसके सामने ये कार्रवाई की गई। जो अवैध कॉलोनियां काटते हैं लोग, उनके खिलाफ हमारे यहाँ से एक नोटिस भेजा जाता है, उस पर सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया जाता है। जब वो लोग उस पर नहीं फॉलो करते तो हमारे यहाँ से फिर उस पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित होता है। वो ध्वस्तीकरण आदेश पारित होने के बाद फिर भी उनको एक मौका दिया जाता है, करीब 15-25 दिन का लगभग, जिसपे कि वो अपना समन मानचित्र प्रस्तुत कर दें या अपना जो भी पक्ष रखना है रखते हैं, या अपना निर्माण स्वयं हटा लें। अगर वो अपना निर्माण स्वयं नहीं हटाते हैं तो उसके बाद प्राधिकरण अपने स्तर से कार्रवाई करता है। उसी क्रम में उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश के क्रम में भी, और हमारा एक रूटीन वो है कि एक्ट के क्रम में हमने कार्रवाई की, जिसमें 5 कॉलोनियाँ आज तोड़ी गई हैं, जो कि एक तोताराम के नाम से थी खानपुर रोड खुर्जा पर, दूसरी छोटे नत्थी अजीत कुमार आदि की थी जो ढाकर रोड से बम्बे के सहारे खुर्जा पर थी, ये करीब 4-5 बीघे में थी। इसी तरीके से श्री प्रेमनाथ आहूजा, श्री मुंशीलाल आहूजा आदि ने एक कॉलोनी बना रखी थी जो SMJEC इंटर कॉलेज के बराबर में थी, जो लगभग 3 बीघे में थी। एक पदम सैनी जी, मुकेश सैनी आदि की कॉलोनी थी जो सिटी स्टेशन रोड पर थी, प्रेम बाटका के सामने, जो लगभग 5 बीघे में थी। मोहम्मद सलीम पहलवान की खबरा खानपुर रोड पर थी, ये भी लगभग 5 बीघे में थी। इन कॉलोनियों को आज ध्वस्त किया गया।
लखीमपुर खीरी तहसील गोला के गांव गदियाना में रात में सोते समय एक बुजुर्ग को अज्ञात व्यक्तियों ने सिलबट्टे से सिर कूचकर हत्या कर दी, जिसके बाद घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह जब घर वालों ने बुजुर्ग के पास जाकर बुजुर्ग का शव देखा तो गांव में हाहाकार मच गया, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अब खबर रायबरेली से है, जहां पर दो मोटरसाइकिल सवार की नील गाय से भयंकर टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दो मोटरसाइकिल पर सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईवे पर घायल घंटों तक तड़पते रहे। दरअसल ये लोग सब्जी खरीद कर बेचने जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। ये घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जनता बाजार के पास की है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।